So why did you come to Rhino Machines for internship? Sir, I have a relative interest in the production field and all the foundry machines, how it is manufactured. You can speak in Hindi, English, as you want, whatever comfortable. Foundry machine and manufacturing and production, mujhe jyada interest tha, and that's why I took Rhino Machines to be internship for purpose. Okay. So, यहाँ पे फर्स्ट टाइम मैं जब आया तो मुझे ना मतलब ऐसा ना एक्सपेक्टेशन था कि ना हमें यहाँ पे बताया जाएगा, कोई गाइड होंगे कि ये करना है, कोई ये करना है, ये ना आपको ना बताएंगे कि ना आपको ना ये करना है, आपको ये करना है, टास्क देना आपको अलर्ट करेंगे. बट ये ऐसा इंप्रेशन मेंटेलिटी थी कि ना कैसी मेंटेलिटी थी, ये ना मतलब कॉलेज से ही ना बताते हैं या ना फ्रेंड्स लोगों से ना सीनियर लोगों से सुना हुआ था कि ना ऐसे ऐसे ना होता है कि वहाँ पे ना आपको ना एक ना गाइड देते हैं, वहाँ पर ना आपको ना पूरा इंडस्ट्री के बारे में बताएंगे पूरा. सो ये एक्सपेक्टेशन लेके मैं यहाँ पे आया था, बट मुझे यहाँ पे ना ऐसा लगा नहीं. एंड यहाँ पे मुझे एक चीज़ ना पता चली कि ना अगर आपको नॉलेज लेनी है तो आपको मीन्स एफर्ट लगाना पड़ेगा, बिना एफर्ट के ना कोई चीज़ ना, थाली पे किसी ने कुछ थाली कोई ना बैठा नहीं आपके लिए कि ना वो क्या कोई आपके लिए बैठा है. तो मीन्स आपको अगर नॉलेज एक्वायर करनी है तो आपको एफर्ट लगाने पड़ेंगे इंडिविजुअल ना लोगों से, ना आपको पूछना पड़ेगा कि ये कैसे वर्क करता है, ये कैसे वर्क करता है. सो अलग अलग लोगों के साथ में आपको इंटरेक्शन करना पड़ेगा, अलग अलग फील्ड के साथ में इंटरेक्शन करना पड़ेगा. तो मैं 15 दिन के अंदर पहले एक दो दिन तो ओरिएंट होने के लिए लगा. फर्स्ट पहले वो शॉक था कि ये तो कुछ बता ही नहीं रहा, यहाँ पे ना क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा था कि ना ऐसा क्या हो रहा है, कैसे क्या चीज़ें ना वर्क कर रही है, कुछ नहीं पता चला. देन जब ना जैसे जैसे ना दिन बीतते गए, फिर ना इंटरेक्शन करना चालू किया लोगों से, अलग अलग ना डिपार्टमेंट में इंटरेक्शन करना चालू किया, तब मतलब आइडिया आया कि हाँ ठीक है, ऐसे ना सारी चीज़ें वर्क कर रही हैं. ओके. तो उनको दिया था राउटिंग, एक स्पेसिफिक टास्क दिया गया था. सो इंडस्ट्री ने किस तरह से आपको टास्क दिया था? सर मुझे राउटिंग के लिए ना टास्क दिया गया था. देन राउटिंग में एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ पे प्रोडक्शन बिल ऑफ मटेरियल बनाते हैं. बिल ऑफ मटेरियल मीन्स एक बिल होता है जिसमें एक कोई असेंबली है, उस असेंबली के सब असेंबली एंड सब कंपोनेंट्स के लिस्ट एंड ईच कंपोनेंट के लेंथ विद मीन्स स्पेसिफिकेशन वेट लेंथ विद वो सब ना लिखा रहता है बिल ऑफ मटेरियल में. सो बिल ऑफ मटेरियल ये डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट बनाते हैं. डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट से जो बॉम हमारा रेडी होता है वो पीपीसी डिपार्टमेंट में आता है. पीपीसी डिपार्टमेंट में वो लोग राउटिंग क्रिएट करते हैं डायनेमिक एनएवी में, माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक एनएवी में राउटिंग क्रिएट करते हैं. राउटिंग में ईच कंपोनेंट पे कौन कौन सी मशीनिंग प्रोसेस होती हैं वो सब नाम हमें लिखनी पड़ती है, उनका मूव टाइम क्या है, रेस्ट टाइम क्या है इंडिविजुअल कंपोनेंट का, वो लिखा रहता है. तो ये ऐसे राउटिंग ना क्रिएट होती है. देन यहाँ पे ना राउटिंग बिल क्रिएट करने के बाद में ये यहाँ से इसमें दिखा सकते हो कहाँ पे है आपने जो किया हो? यस सर. तो ये तो डिस्क्रिप्शन है राउटिंग का पूरा. ओके. प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल डिपार्टमेंट का ना. एंड देन ये जो है मैंने बॉम क्रिएट किया था, बॉम ऑफ एज रोलर कन्वेयर. आपने कोई फ्लो चार्ट भी बनाया था? यस सर. ये इंफॉर्मेशन फ्लो चार्ट है. जो कि डिस्क्राइब करता है कि रैनो मशीन प्राइवेट लिमिटेड कैसे वर्क करती है. सो इनिशियली ऑर्डर ऑफ पर आता है. ये खुद बनाया है? यस सर, ये मैंने खुद बनाया हुआ है पूरा. पूरा कंप्लीट ना, ये पूरा मैंने बनाया गया. फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने पूरा इसका डिस्क्रिप्शन करके लिखा हुआ था, बट योगेश सर ने मुझे सजेशन दिया कि इसका एक फ्लो चार्ट बना सकते हैं. सो मैंने ये पूरा एक फ्लो चार्ट बनाया गया. ओके. तो इसमें ना डिस्क्राइब किया गया है कि ना ऑर्डर ऑफर ना यहाँ से ना जनरेट होता है, वो कस्टमर को सेंड करते हैं. ओके. सो इसमें पूरा प्रोसेस लिखा पूरा प्रोसेस है ना लिखा हुआ है कि कैसे इनिशियल से फाइनल तक की प्रोसेस क्या क्या होती है वो पूरा. ओके. और उसके बाद क्या किया आपने? दैन मैंने बिल ऑफ मटेरियल बनाए थे दो असेंबली के. ओके. एक है कन्वेयर रोलर एज रोलर कन्वेयर असेंबली, उसके उसके अंदर में सब असेंबलीज हैं इनके. मैंने सब असेंबलीज एंड कंपोनेंट्स के ईच कंपोनेंट के बिल ऑफ मटेरियल बनाए गए थे. एंड सेकंड था हाइड्रोलिक पावर पैक के. हाइड्रोलिक पावर पैक के अंदर में जितने भी कंपोनेंट्स आते हैं ईच कंपोनेंट्स के
ये जितने कंपोनेंट आपने पर्सनली देखे हैं या खाली अभी देखे, बट कुछ कंपोनेंट्स थे जो हमने नहीं देखे, मतलब मैंने नहीं देखे। ये सीखना सर ने मुझे ड्राइंग दिखाई थी इसके, तो ड्राइंग से ना मुझे जितना समझ में आया एंड उसका मैंने बिल ऑफ मटेरियल उनके क्रिएट किए गए। देन ये R&D डिपार्टमेंट का था, रिसाइकल बिल, रिसाइकल ब्रिक्स का, SPB ब्रिक, SPB मटेरियल के ब्रिक्स बनाए गए हैं जो कि प्लास्टिक एंड सैंड जो कि होती है मोल्डिंग वेस्ट सैंड होती है उससे, उसके मिक्सचर से ये चीज़ें बनाई गई हैं। रिसाइकल किया गया है ब्रिक को, जिसकी जिसकी स्ट्रेंथ जो होती है नॉर्मल ब्रिक से अबाउट 30% समथिंग ज़्यादा होती है, टू एंड हाफ टाइम ज़्यादा होती है। एंड इसके कहीं ना हम इनके पास में चैलेंज था कि इसका वेट ज़्यादा होता, तो इसमें वेट के लिए यहाँ पे इसको थोड़ा मटेरियल रिमूव किया है, तो इसकी स्ट्रेंथ भी ना सेम रही है एंड वेट भी कम हो गया है। अपना तो नो है। देन ये ना इसकी मशीन्स हैं कि कैसे ना उसमें मोल्डिंग होती है इसकी ब्रिक की। देन ये मैंने ग्राइंडिंग किया हुआ था एंड वेल्डिंग किया था फ्री टाइम में जब मुझे प्रीवियस प्रोडक्शन लाइन। सो ये कभी भी कॉलेज में इस तरह की एक्टिविटी करी हुई है कॉलेज वेल्डिंग ग्राइंडिंग की? क्योंकि आपका कोई मैन्युफैक्चरिंग का वर्कशॉप नो सर, एक्चुअली क्या हुआ था कि हमारा ये सब्जेक्ट था मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी। सो वो सब्जेक्ट ना 5th semester में था, बट कोरोना की वजह से हमारे वर्कशॉप नहीं हुए थे। सो मैंने फर्स्ट टाइम मैंने यहाँ पे ना यहीं पे की थी वेल्डिंग भी और ग्राइंडिंग भी। तो अगर आपको ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिले कि जितना भी प्रैक्टिकल मैन्युफैक्चरिंग का एक्सपीरियंस है उसका 2 हफ्ते 4 हफ्ते का यहाँ पे वर्कशॉप में प्रैक्टिकल वर्कशॉप का एक्सपीरियंस का कोई ऑप्शन हो तो आप या आपके जैसे स्टूडेंट्स उसके लिए इंटरेस्टेड होंगे? यस आई एम इंटरेस्टेड इन इट। ओके, ये मैंने वेल्डिंग एंड ग्राइंडिंग की थी एक जॉब पे किया हुआ था और ये आप देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच कार्तिक।